गुरु और शिष्य कहते एक अलग सा रिश्ता होता है। गुरु की सलाह नसीहत मार्ग को सशक्त बनाती है। आज गुरु और शिष्य का जिक्र क्यों? वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में भी एक ऐसा ही रिश्ता इन दिनों चर्चाओं में है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के धुरंधर भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड में सियासत के इतिहास के पन्नों को पलटे तो कोई ऐसा अध्याय नहीं जो कोश्यारी के बिना पूरा हुआ। अब राज्य की धामी सरकार को वो सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, बीजेपी के लिए वो सलाह है, कांग्रेस के लिए वो नसीहत है। सलाह या नसीहत कुछ भी मानिए, लेकिन बात पते की कही कि अधिकारियों पर नकेल कसे, जाए फील्ड पर, नहीं तो बोल दीजिए कि घर बैठे। अब कोश्यारी साहब का यह बयान उत्तराखंड की सियासत में एक नया पैगाम लेकर आया है। क्यों भगत सिंह कोश्यारी को यह कहना पड़ा कि अधिकारियों को बोलिए जाइए फील्ड पर वरना घर बैठे? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के चेहरे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। ये नसीहत है सूबे के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की, जो प्रदेश की मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार को अधिकारियों की नकेल कसने की सलाह दे रहे हैं। भगत दा ने सीएम और सरकार को नसीहत दी है कि वो अधिकारियों को धरातल पर उतारे ताकि वो जनता से रूबरू हो सके, जिससे जनता की समस्या दूर होंगी। और सरकार की तरफ से जो विकास योजनाएं चल रही है वो योजनाएं भी धरातल पर तेजी से उतर पाएंगी। भगत दा ने अपनी नसीहत में खासतौर पर कृषि, बागवानी और उद्यान से जुड़े हुए अधिकारियों को टारगेट करते हुए कहा कि उनकी तरफ से कोई भी काम धरातल पर उतर कर नहीं किए जाते हैं। ऐसे में जिन किसानों को लाभ देने की बात सरकार करती है, उन किसानों को कैसे लाभ मिल पाएगा? वस्तुतः जब तक आप फील्ड में नहीं जाते तब तक काम होता नहीं है। और अपने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करें कि वे हफ्ते में चार दिन जो है वो छोड़िए, जो सेकेंडरी वाले उनको छोड़ दीजिए, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं, सेरिकल्चर से जुड़े हैं, बीकीपिंग से जुड़े हैं, फिशरी से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को तो मैं सोचता हूँ कि हफ्ते में चार दिन सेंटर में होना चाहिए, किसानों के बीच में होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी, आप उन अधिकारियों को कहिए गो टू द फील्ड, अगर नहीं जाते हैं तो उनके लिए भी घर बैठा। अब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम ने जब प्रदेश की सरकार को नसीहत दी है तो बीजेपी इसको सीरियसली ले रही है और उनका समर्थन भी कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस भगत दा की सलाह को राज्य के हित में बता रही है और धामी सरकार को उसका पालन करने को नसीहत दे रही है। उसके लिए कार्य योजना बन चुकी है और हमारे एक सचिव है जिनको स्पेसिफिक रूप से जन समस्याओं के दृष्टि मिस्टर गरोला करके सचिव है, तो वो सब जगह जा रहे हैं और अधिकारियों की चौपाल लग रही है। इसके साथ साथ मंत्रियों को जो जिले के दौरे होते हैं उसमें जन समस्याओं के लिए चर्चा होती है, तो सब प्रकार की रचना बन रही है। ये ठीक है कि और गति इसमें मिले, इसके लिए भगत दा ने सुझाव दिया, सरकार सुझाव को मानेगी। देखिए कोश्यारी जी क्योंकि पुराने चावल हैं और कोश्यारी जी ने राज्य की कमान संभाली हुई है और घाट घाट का पानी उन्होंने पिया हुआ है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि केवल हवा हवाई बातें हो रही हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, नल हैं तो उसमें जल नहीं है और कई घरों में तो नल भी नहीं है। ऐसे में जो उज्ज्वला योजना है वो
कैसा एक केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो योजनाएं तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी करके नेताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, वो कोश्यारी जी की समझ में आ गया है। और ऐसे में निश्चित रूप से एसी कमरों में बैठ कर कार्य योजनाएँ बनाई जा रही हैं, धरातल पर उतर कर कोई भी समीक्षा नहीं कर रहा है। और उन्होंने अगर मुख्यमंत्री को ये सलाह दी है तो मुख्यमंत्री को बहुत गंभीरता से इस सलाह को लेना भी चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार यूं तो अधिकारियों पर नकेल कसने का काम कर ही रही है, लेकिन जो सलाह पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दी है, अगर उस सलाह को भी मानती है तो फिर अधिकारियों की बेलगाम अफसरशाही पर भी लगाम लगेगी और धरातल पर भी जनता की समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही जिन किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, उन किसानों को उपज को भी अच्छा मार्केट मिल पाएगा और किसान की आय दोगुनी होगी। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। भगत दा, उत्तराखंड की सियासत के धुरंधर जो कहते हैं ठोक बजाकर कहते हैं, और अक्सर उनका यही अंदाज सियासत का किस्सा बन जाता है। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, और माना जाता है कि सियासत में जितने भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि कांग्रेस के भी, उसमें भी कहीं ना कहीं भूमिका कोश्यारी की भी रही। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ कुंवर जपेन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। मथुरादत्त जोशी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं, क्योंकि पैनल में अनुभव और उम्र के लिहाज से आप बड़े हैं। तो मुझे कोश्यारी साहब की बात के मायने समझाइए, मैं इसे सलाह मानूं या नसीहत। उनकी सरकार को चेतावनी भी है और सरकार को नसीहत भी है कि अगर आपके अधिकारी फील्ड में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा। ये उनका इशारा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय सरकार के सामने चुनौती मरत समय है, चुनाव भी है, चाहे नगर निकाय के पार्लियामेंट के चुनाव है। यानी भगत दा नसीहत दे रहे थे? नहीं, दोनों चीजें हैं। मैंने इसलिए कहा ना, नसीहत या इसलिए कहूंगा कि जो इस समय हो रहा है, देखिए मंत्री एसीआर लिखने की पावर है, अधिकारी और मंत्रियों का द्वंद्व आप सबके बीच, ठीक, सब आप देख रहे हैं, नई बात नहीं है। और अधिकारी और मंत्री आपस में उलझ रहे हैं तो विकास कहां से होगा? मुख्यमंत्री का जो सपना है या मुख्यमंत्री जो चीज कहते हैं उसमें फलिता लगाने का पार्टी के काम से सरकार के मंत्री कर रहे हैं, तो इसलिए भगतदा ने, क्योंकि पुराने आदमी भगत रहा है, उत्तम व्यक्ति है, पार्टी में भी उनका बहुत बड़ा मुद्दा है, जोशी जी क्या थोड़ा सा आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? आपकी सरकार के वक्त सीआर लिखने की अधिकार था मंत्रियों के पास? बिल्कुल था। 2007 के बीच में तो नहीं, मैं 2012 से 17 के बीच पूछ रहा हूँ। नहीं था, 2008 में हाँ सरकार ने इसको खत्म कर दिया जी। नहीं तो फिर आपकी सरकार थी तब सीआर लिखवा लेते ना सर, दिक्कत क्या थी? सर अब मैं बता दूंगा कौन घोड़ सवार था और कौन कैसे लगाम खींच रहा था, वो अच्छा लगता ना जोशी जी आप फिर वो अलग बात है। जिन आप ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार में था, आप अपना भी तो बताइए ना कि हमारी सरकार में ज्यादा था इनकी सरकार में कम था, या इनकी सरकार में ज्यादा हमारी सरकार में कम है? हमारी सरकार के किसी भी मंत्री ने कभी भी कहा कि मुझे एसीआर लेने की बात हो, मैं ऑफिशियली बता दूं सर आपको, कहा नहीं है। लेकिन मैं ये भी बता दूंगा आपको कि क्या क्या हुआ था किस अधिकारी के साथ, वो अलग चीज है। नहीं, फिर अलग फिर कैसे हुआ सर? आपके वक्त आपने कहा कि अधिकारी जो है अभी बेईमान है, हमारी सरकार में तो सारे जो है गंगा नहा के आए थे हरिद्वार से। नहीं,
मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारी सरकार में इतना झगड़ा अधिकारी वर्सेस मंत्री नहीं होता था। उदाहरण है, ठीक कुंवर साहब, कुंवर जपेन साहब, ओके ओके मथुरा जी, मथुरा जी, एक मिनट एक मिनट। तो कोश्यारी जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। कुंवर साहब देखिए, अधिकारी पे लगाम है। कोश्यारी जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं और प्रदेश के सुशासी हैं, और उनकी इस सलाह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है। बागवानी को लेकर किसानों को जो केंद्रीय योजनाएं हैं लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 100% रिजल्ट राज्य के अंदर आना चाहिए, ऐसा राज्य सरकार का मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है, और कुशारी जी ने भी उस पे अपनी जो है राय दी है और इस पे गंभीर। नहीं नहीं, मसला राय का वहां तक सीमित नहीं है। जो मथुरा दत्त जी कह रहे हैं मैं वो जानना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो समझा रहे हैं कि आपके यहाँ अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। देखिए, अधिकारी बेलगाम कब नहीं हुए, किस सत्ता में नहीं हुए, ये तो सरकार और सरकार के मुखिया की ताकत होती है कि वो अधिकारियों से काम कराते हैं, प्रदेश हित में लगाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री धामी जी सक्षम है अधिकारियों से काम लेने में, अधिकारियों को प्रदेश के। तो फिर आपके मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि सीआर लिखने का अधिकार दो हमें? नहीं देखिए, वो उनका एक व्यक्तिगत, इस पे पहले बहुत चर्चाएं हो गई के, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये माना है कि अधिकारियों से काम लेना सभी विभागीय मंत्रियों की क्षमता के अनुसार होता है। नहीं नहीं, कुंवर साहब ये तो वही बात हुई ना जो मथुरा जी कह रहे हैं। नहीं नहीं, तो फिर इसका मतलब आपके मंत्री क्षमतावान नहीं है जो अधिकारियों से काम नहीं ले सकते? अब सबकी क्षमताओं का आकलन आप एक जैसा नहीं कर सकते ना। हाँ। और जहाँ जिसे कोई कमी महसूस होती है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सारे के सारे तो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, और आप कह रहे हैं कि आप सभी की क्षमता एक समान नहीं हो सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी क्षमताओं से बढ़कर सभी विभागीय मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा और अधिकारियों से काम लेने में सक्षम। आप जो बात मथुरा जी कह रहे हैं कि ये बात आप सरकार को समझ लेनी चाहिए, कोश्यारी जी समझा रहे हैं सरकार को समझ लेनी चाहिए जो बात मथुरा जी कह रहे हैं। कुशारी जी की राय को बहुत गंभीरता से लिया गया है और आपको बहुत जल्दी इसके नतीजे भी नजर आएंगे। मथुरा जी, लगता है आपको जल्दी से, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुशारी जी की बात का कोई असर होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के हालात, क्योंकि आप देखे मंत्री के झगड़े सब जा ही रहे हैं, रेखा आर्या वर्सेस क्या हुआ आपके सामने, एक मंत्री ये कहता है कि मेरे पति दस्तक करके एसओटी बन गया है, वो एसओटी रिटायर भी हो गया और सरकार को कार्रवाई नहीं कर पाएगी, इनके सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, ये पावर मांग रहे हैं किसान को एसीआर लिखने की, एसीआर लिख के क्या कर लेंगे अगर ये अधिकारी। ये देखिए, मगधा का निचोड़ ये है कि मगधा ने कह दिया है कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। नहीं, ये बात कहाँ कही उन्होंने कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई, ये कब बोला सर उन्होंने? अर्थ हम यही लगाएंगे ना। अच्छा, मतलब अर्थ का अनर्थ निकाल लीजिए सर। अच्छा, अनर्थ नहीं कर रहा हूँ उनका। कुंवर साहब प्लीज जल्दी से, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। कुंवर साहब वो कह रहे हैं इसका मतलब ही यही है कि अधिकारी बेलगाम। कांग्रेस अपने मतलब अपने अनुसार सुविधा अनुसार निकालने लग जाती है। प्रदेश के अंदर एक से एक अच्छा सक्षम और ईमानदार ब्यूरोक्रेट है जो दिन रात एक किए हुए सरकार के साथ प्रदेश की प्रगति में, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी प्रश्न चिन्ह, कुंवर साहब मथुरा दत्त जी थोड़ी ना लगा रहे प्रश्न चिन्ह, आप ही के तो मंत्री लगा रहे हैं। नहीं, मथुरा दत्त जी ने जो बात कही हम उसका जवाब दे रहे हैं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार नहीं सोच सकते, आपको खुली आंखों से आकलन करने के बाद जहां आपके सुझावों की आवश्यकता है आप सुझाव दीजिए, और जहां प्रशंसा बनती है वहां आपको माने मुख्यमंत्री और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की प्रशंसा भी करनी चाहिए। सर मंत्रियों से करवा दीजिए फिर कर देंगे आप। मैं स्पेशली बोलूंगा, जैसे आप मेरे मित्र हैं वैसे मथुरा दत्त जी भी मेरे मित्र हैं, मैं बोल दूंगा उनसे प्रशंसा कर दो, आप मंत्रियों से बुलवा दीजिए। हमको अधिकारी की प्रशंसा रोज कर रहे हैं, इनके मंत्रियों का विश्वास ही अधिकारी में नहीं है, इनके मंत्री ही अविश्वास व्यक्त करते हैं उन अधिकारियों पर जो अधिकारी ईमानदारी। ठीक संगीता जी,
संगीता जी, आपका क्या आकलन है? कोश्यारी जी ने सलाह दी या नसीहत दी? कुंवर साहब कह रहे जैसा सोचोगे वैसा दिखेगा, जो वो है ना मूरत, जिस तरह से देखना चाहो वैसे दिखेगी आपको। देखिए तिलक भाई, मुझसे ज्यादा कहीं अनुभव आपको है कि पिछले 22-23 सालों में यहाँ क्या हुआ है कि अधिकारियों और सरकार के बीच किस तरह से तनातनी हमेशा चलती दिखी है, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। अगर बहुत अच्छा सामंजस्य होता तो हम उत्तराखंड का विकास भी आज उसी स्थिति में देखते। और देखिए, हम नहीं कह रहे ये, ना आम आदमी पार्टी कह रही है, लगातार इनके ही मंत्री, इनके ही नेतागण कह रहे हैं, चाहे फिर वो खजानदास जी हो, सतपाल महाराज जी हो, फिर चाहे समीक्षा बैठकों को मुख्यमंत्री जी के सामने ही अधिकारीगण आपस में लड़ जाते हैं। तो ये स्थिति सबके सामने है, ये कोई विपक्ष नहीं कह रहा या आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही हो। तो भाई, आईना दिखाने का काम तो खुद इनके ही लोग इनको कर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा। तो देखिए, नए नए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, इनको इतना अनुभव नहीं है। तो जो इस समय चल रहा है, अधिकारी हो चाहे ब्यूरोक्रेसी, किस तरह से बेलगाम है, ये जनता के सामने है। कभी बजट खर्च नहीं होता, इसीलिए जो काम है, जो विकास की गति है, वो बातों में तो है लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रही है तिलक भाई। यानी मथुरादत्त जोशी सही कह रहे हैं। देखिए, मथुरादत्त भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें एक लंबा राजनीति का अनुभव है, उन्होंने देखा है, तो वो अनुभव से कुछ कह रहे हैं तो वो सही होगा, गलत तो नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में इस तरह के वाक्या सामने है, किसी एक सरकार में ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं है तिलक भाई। नहीं, हरीश रावत जी की सरकार में ना बढ़िया नहीं था कि अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच में बहुत अच्छी ट्विनिंग हुआ करती थी? मैंने गलत तो नहीं कहा जोशी जी? नहीं, बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे हैं। अधिकारियों के बीच में मुख्यमंत्री में बहुत अच्छी ट्विनिंग थी, ये मैं नहीं कहता था। ये वो मंत्री कहते थे जो कहते थे कि हमारे फाइल पर साइन इसलिए नहीं होते क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है अधिकारियों को कि इनकी फाइल पर साइन मत करना, कहते थे ना आप ही के मंत्री कहते थे ना जोशी जी? किसी भी मंत्री ने कभी ये कभी नहीं कहा, वो ठीक है आपका प्रश्न। नहीं नहीं नहीं, अगर आप कहेंगे फिर मैं नाम लेकर बोल दूंगा सर, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेकर बोल दूंगा किस मंत्री ने कहा था। यहाँ तक कि विधायक बोलते थे कि मुख्यमंत्री का साफ आदेश है अधिकारियों को कि इनका काम नहीं होना चाहिए क्षेत्र में। नाम लेकर बताऊं या कुंवर साहब से बुलवाऊं? ये कभी नहीं कहा सर, मैं नाम ले लूंगा। आप मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं, फिर मैं नाम ले लूंगा। अनावश्यक दबाव नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, अनावश्यक दबाव ना ना कुंवर साहब, देखिए आप देखिए फिर पलट गए जोशी जी, इतने सज्जन व्यक्ति हैं, ये जानते हैं किस मंत्री ने कहा था और क्यों बवाल हुआ था, और ये भी जानते हैं कि विधायक कौन बोलता था। हरिद्वार का ऐसा विधायक जो कहता था कि मुख्यमंत्री को बोल देना है अधिकारी मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए वरना ठोक दूंगा, होता था कि नहीं होता था? आप बुलवाओगे मुझसे? आप तो बोलोगे नहीं सर। आप देखिए, आप सब मुस्कुरा रहे हैं। कुंवर भाई, मैंने गलत बोला क्या तिलक भाई कि आपसे कुछ? मैंने बिल्कुल ठीक बोला, और ये तो कांग्रेस के शासन काल में ये अनेकों प्रदेशों में ऐसी परंपरा रही है और देखने को मिला है जनता को। और लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अगर हमारे किसी एक मंत्री ने विभागीय अधिकारी से तंग आकर या उन्होंने अपने माननीय मंत्री की आज्ञा का उल्लंघन करा, तो अगर उन्होंने कोई बयान दिया तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया। ब्यूरोक्रेसी और अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से समय समय पर समीक्षा बैठकें भी होती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका संज्ञान लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की परंपरा कांग्रेस की परंपरा से बिल्कुल विपरीत है और जनता ऐसी के विकास मुद्दों पर आधारित है। जोशी जी, नहीं विपरीत तो है ही है, भाजपा की विचारधारा से हम कैसे संबंधित हो सकते हैं, हम कैसे मान सकते हैं? ये हमारे नहीं मान पाएंगे, कभी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ये कहां से गवर्न होते हैं। लेकिन इस बात का जवाब तो चाहिए था कि भाजपा ने आधुनिक मंच से अधिकारी की उपस्थिति में ये बात क्यों कही थी? वो इनको ही अनुभव तो उनको हुआ होगा ना, इस प्रदेश का अधिकारी सरकार की बात नहीं मान रहा है, सरकार की बात तो सही है कुंवर साहब, इनके तो कोई बात खड़ी होगी ना, ऐसे तो कोई बात खड़ी नहीं होती है। आपने डिबेट की है तो बहुत सोच समझ के डिबेट की, और वो हो रहा है इस प्रदेश में,
मैंने कहा ना, एक मंत्री कहता है कि मेरे दस्तक नहीं है और फर्जी एसओजी बन गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण था ऐसा? भ्रष्टाचार देखिए, कितने अधिकारी के ऊपर मंत्री दबाव डालते, मंत्री शिकायत लेके जा रहे मुख्यमंत्री के पास, हालांकि मेरे पे ये दबाव डाल दिया। मीठा आर्या वर्सेज आपने देखा होगा कितना बड़ा। कुंवर साहब जल्दी से प्रसन्नता जी आ रहे खिलाफ एफ आई आर लिखनी पड़ गई। कुंवर साहब ये तो तथ्य बातें ना जो बात जोशी जी कह रहे हैं, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे जोशी? अगर मान लीजिए कहीं कोई त्रुटि हुई तो उसका संज्ञान लिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। अगर हमारे मंत्री ने कहीं कोई बयान दिया या कहीं उन्होंने किसी मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करा तो निश्चित तौर पर वहां कार्रवाई होना लाजमी है। और शासन प्रशासन के स्तर पर अगर कभी कोई चूक होती है तो अच्छा, फिर आप सार्वजनिक रूप से आज बोल दीजिए कुंवर साहब, क्या मंत्रियों की पीड़ा वाजिब है या नहीं? छोड़ दीजिए भगत दाने जो कहा, मैं कह रहा हूँ मंत्रियों की पीड़ा वाजिब है कि नहीं? देखिए मंत्रियों की पीड़ा वाजिब नहीं है। नहीं है क्यों? मंत्री काम लेना जानते हैं, अधिकारियों से काम ले रहे हैं। सीआर इतनी महत्वपूर्ण हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से हमें ये लगता हो कि हाँ। सीआर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ब्यूरोक्रेसी से अधिकारियों से काम लेना और उन्हें प्रदेश। तो आपको क्यों लगा अधिकारियों की पीड़ा वाजिब नहीं है? आपको क्यों लगा कि मंत्रियों की पीड़ा वाजिब नहीं है? आप हमारी काम, आप बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं कुंवर साहब, आप कह रहे ना मंत्रियों की पीड़ा वाजिब क्यों नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। अंदर अगर हम ऐसी व्यवस्था की बात करें तो आज राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी उस व्यवस्था की ओर प्रदेश को ले जा रहे हैं कि प्रत्येक अधिकारी और ब्यूरोक्रेट प्रदेश के हित से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। या फिर मैं ये मान रहा हूं मुख्यमंत्री दौड़ लगा रहे, मैराथन लगा रहे, आपके मंत्री भाग नहीं पा रहे। या तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री दौड़ लगा रहे हैं, मैराथन लगा रहे हैं और आपके मंत्री दौड़ नहीं पा रहे उनके साथ। सभी दौड़ लगा रहे हैं वो अलग, तो फिर वो ये बात है, फिर तो आपके लिए बहाना हो गया कुंवर साहब। इसका मतलब आपके लिए बहाना हो गया कि मंत्री हमारी मंत्री ये बात कहते हैं कि हमारे अधिकारी सुनते नहीं है, ये तो फिर बहाना हो गया मंत्रियों का। देखिए अगर मंत्रियों का बहाना हो गया तो ऐसा नहीं है। माने मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से व्यवस्थाओं को, सरकार को चुस्त दुरुस्त तरीके से आगे ले जा रहे हैं और मंत्री भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। ठीक, और जहां तक जोशी जी प्लीज जल्दी से फिर संगीता जी आ रहे हैं। जोशी जी मैंने गलत कहा, अगर मुख्यमंत्री अपनी जगह सही है तो फिर इसका मतलब मंत्री जो है वो काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपने सही बात कही, आपकी ना जगह जगह पर मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सर आपने देखा चारधाम यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, वहां पर जो चारधाम यात्रा के प्रभारी मंत्री है, धर्मस्थ मंत्री और पर्यटक मंत्री, आप देखिए वो गायब है, वो साथ में नहीं है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं लेकिन इनके मंत्री आप देख लीजिए ना, कोई मंत्री करना कहीं के चुनाव में व्यस्त है, अपने यहाँ नहीं देखा जिसकी जिम्मेदारी है ऐसे ही कुंवर साहब यात्रा आपको है। तो मंत्री तो इनका आकलन है, इनका आकलन इन्हें मुबारक ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मंत्री और माने मुख्यमंत्री पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूरा प्रदेश भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसी ऊर्जा के साथ प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य निरंतर जारी रहे। सही बात कही, हालात इतने खराब हैं प्रदेश के कि भाई मुख्यमंत्री को समर्थन को हालात प्रदेश के खराब नहीं है माने, और हालात कांग्रेस के खराब नजर आ रहे हैं। आप प्रदेश को सरकार चलाओ ना, अभी तो आपको सरकार चलाने का अधिकार है, आपके पास सरकार चलाने का मौका मिला है आपको। कुंवर साहब इसकी गंभीरता को समझ के मजाक में नहीं कर रहे ये बात है, विदेश में बैठे हैं तो हम लोग थोड़ा सा गंभीरता। संगीता जी नेता देते व्यक्ति ने जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, नेता प्रतिपक्ष रहा हो, राज्यसभा का सदस्य रहा हो, लोकसभा का सदस्य रहा हो, प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो, गवर्नर रहा हो, एक महत्वपूर्ण राज्य का गवर्नर रहा हो। संगीता जी हमने पहले ही कहा कि वो एक बहुत ही सीनियर लीडर है और उनके उनका जो सुझाव है उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? नहीं नहीं, अगर गुरु कुछ कह रहा है शिष्य उस पर इम्प्लीमेंट करता है ना, आप उसको दूसरे नजर से देख लीजिए। एक संगीता जी देखिए तिलक भाई, आपने जिस तरह से कहा कि गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं तो कुछ समझा ही रहे होंगे। और देखिए जैसे अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा कि बहुत
कुछ वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो भगत सिंह कोश्यारी जी कोई आज के नेता हो ऐसा नहीं है, और उत्तराखंड का उन्हें अनुभव ना हो ऐसा भी नहीं है। तो वो खुद इस बात को कह रहे हैं, आपके पहले मंत्री बहुत सवाल उठा चुके, चाहे वो रेखा आर्या हो, खजानदास जी हो, फिर अभी सतपाल महाराज जी हो, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कुंवर भाई साहब आपके सामने। तो बात की गंभीरता को समझिए, और पहाड़ों में जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं हमारे इंटीरियर, वहाँ आज भी सुविधाएं नहीं है। वहाँ आज भी जो आप लाते हैं स्कीम आपकी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो पहुंच नहीं पाती। तो इस चीज को देखिए और धरातल पर कार्य कीजिए, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। इसी बात की नसीहत भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी आपको दी है। तो फिर तुलनात्मक अध्ययन कैसे हो सकता है संगीता जी? अब किन्हीं दो चीजों का ही तुलनात्मक अध्ययन होगा ना, या पिछली सरकार में ही ये व्यवस्था थी वो आज तक जारी है, या फिर इस सरकार में ये व्यवस्था लागू की गई तो फिर हम कहें कि हाँ ये कसूरवार तो धामी सरकार है। तो लात्मक अध्ययन तो होना चाहिए ना कि भाई हरीश रावत की सरकार में ये था। देखिए अगर हरीश रावत जी की सरकार में ये था मान लिया 6 साल से, लेकिन किसकी सरकार है? हाँ। अगर कोई कमियां है तो क्या उनको दुरुस्त करना अब इस डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो अब तो भारतीय जनता पार्टी को जब जनता ने जिम्मेदारी दी है तो उन्हें ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। आप देखिए ना कि धामी जी किस तरह से सब जगह अकेले ही दौड़ते नजर आते हैं, और कितने आदेश वो पारित करते हैं। उन्होंने मतलब नेताओं को भी प्रभारी मंत्री बना दिया, सब कुछ कर दिया, इसी तरह की अलग अलग कोशिश कर रहे हैं वो कि काम धरातल पर हो पाए, लेकिन कितना काम धरातल पर देखने को मिल रहा है। ये बात देखिए बहुत अच्छी कही संगीता जी, विपक्ष बहुत कम इतना बड़ा दिल दिखा पाता है कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं कर पा रहे, मुख्यमंत्री भाग रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं भाग पा रहे उनके साथ, समझ रहे जोशी जी? बिल्कुल सामंजस्य की कमी है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्रभारी सचिव भी बनाए थे। तो ये प्रभारी सचिव तो आपके राज में भी बने हैं, प्रभारी सचिव तो आपके राज में भी बने हैं ना सर? बात मैं ये आज देखे तिलक भाई, अरे यहाँ जब गलत हुआ इसलिए सत्ता से बाहर है ना, जनता के समझा रहा हूँ बात को। हाँ तो सर ये या तो फिर आपको एक तुलनात्मक अध्ययन के हिसाब से फिर तिवारी जी के शासनकाल को ही देख लीजिए, अधिकारी भी खुश, मंत्री भी खुश, विधायक भी खुश, पूर्व विधायक भी खुश। देखिए तिवारी जी है ना, तो फिर ठीक ठीक, तो फिर अलग अलग है ना सर, मसला अलग अलग है। आप खंडूरी जी कहते थे कि भैया लगाम इतनी खींचो घोड़सवार होना चाहिए मजबूत, फिर या तो फिर आप लोग घोड़सवारी वाली बात करिए, अलग अलग शैली होती है काम करने की। खंडूरी जी ने तो मंत्रियों के पर काट दिए, उनसे अधिकार छीन लिया, 2008 में केआर आप चिल्ला रहे हैं जोशी जी, ऐसा तो मत बोलिए कि आपके हरदा के राज में तो जो है सारे के सारे मंत्री खुश थे, है ना? वो तो केवल खंडूरी जी ने छीन लिया ना उसको। नहीं नहीं जोशी जी, आप ये मत बोलिए कि मंत्री सारे खुश थे हरीश रावत जी के शासनकाल में या बोगड़ा जी के शासनकाल में, है ना सर? वो पीडीएफ वाले अलग कहते थे कि भैया नहीं करोगे सत्ता कर दी अभी गिरा देंगे सरकार, वो कहते नहीं नहीं अकेले में समीक्षा बैठक कर चटकनी लगा के बोले ये मंत्री साइड, पहले सिर्फ वो साथ हम साथ साथ है। होता था ये, वो भी बात बोली थी जोशी, इतना नहीं होता था ना जितना आप अनुभव हो रहा है ये सर। वो सार्वजनिक भी होता था, वो सार्वजनिक होता था कि बोले पीडीएफ वाले आएंगे और कोई नहीं आएगा, वो बोले पीडीएफ क्या है, बोले हमें भी नहीं मालूम, तो होता था। अब उस बात को जोशी मानिए ना मानिए, आप जैसे इतने वरिष्ठ सज्जन व्यक्ति हैं आप सब जानते हैं कि क्या होता था क्या नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जबेन साहब, क्या तबीयत नासाज लग रही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरु की सलाह शिष्य करेगा अमल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।